हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे अस्थमा की शिकायत कितनी ज्यादा थी, कब तक रही और मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी और वो भी घर पर। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जो अस्थमा की शिकायत थी वो मुझे जो है बहुत छोटे से थी। ये जो प्रॉब्लम थी वो मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, मतलब कि मेरी नानी को ये समस्या थी जिस वजह से मुझे भी समस्या हो गई थी। अब हम बात करेंगे कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस समय मेरा ये सिस्टम था कि मैं हर तीसरे दिन बीमार पड़ जाती। जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी वो मेरी जो है पूरी प्रेगनेंसी दवा खाने में ही चली गई थी और मुझे पूरी प्रेगनेंसी इंजेक्शन भी लेने पड़े थे, क्योंकि होता क्या है कि जब सांस बहुत ज्यादा फूलती है तो डायरीफेलिन एक इंजेक्शन आता है, वो लेना पड़ता है। तो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान भी वो इंजेक्शन लेना पड़ा था। आपको बता दूं, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनको ठंडी चीजें वो नहीं खा सकते, वो तली चीजें नहीं खा सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा परहेज करना पड़ता है, वो कभी भी ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं और अगर वो पी लेते हैं तो उनको जो है बहुत जल्दी सांस वगैरह फूलने लगती है। तो मेरा भी यही हाल था कि जैसे मुझे पहले से ही ठंडी चीजें और तली चीजें, मतलब मुझे सारी चीजों से परहेज करना था। तो प्रेगनेंसी के टाइम हो जाता है कि बहुत ज्यादा मन करता है तो हम बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं कर पाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती थी जहां तक हो सकता था अवॉइड करती थी, लेकिन फिर भी कभी कभार तो मन करता ही है। तो मैं अगर खा भी लेती थी तो मैं तुरंत जो है बीमार पड़ जाती थी। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती थी कि जब मेरी सांस फूलना स्टार्ट होती थी ना तो मैं दो कदम भी चल नहीं पाती थी। मतलब मुझे इतनी ज्यादा घुटन होती थी, इतनी ज्यादा बेचैनी होती थी और ऊपर से ये प्रेगनेंसी में पेट का बढ़ना और फिर वैसे भी चैन नहीं पड़ता है और जब हमें जो है सांस की प्रॉब्लम हो जाए तो और ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मैं जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे की कोशिश करती थी, वैसे तो प्रेगनेंसी में हमें ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए लेकिन हमें ठंडी चीजें सूट ही नहीं करती थी, तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती थी जहां तक हो सकता था मैं गर्म चीजें ही खाने की कोशिश करती थी, जिस वजह से मुझे गर्मियों में भी गर्म पानी ही पीना पड़ता था। उस समय मुझे जो है ताजा पानी भी बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे करते करते जो है मेरी धीरे धीरे प्रेगनेंसी का टाइम गुजरने लगा था, लेकिन जैसे ही सर्दियां आई तो फिर मुझे और ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सर्दियों में हुई थी और 8 नवंबर को हुई थी और उस समय बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। तो सर्दियों में मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया था ये प्रेगनेंसी का टाइम कवर करना, क्योंकि आपको पता है कि जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है उनको सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाती है और उनको ज्यादातर खांसी जुकाम बहुत रहता है। मतलब मुझे भद्र गर्मी में भी बहुत ज्यादा खांसी जुकाम रहता था और फिर मुझे सर्दियों में तो और ही ज्यादा। सर्दियों में मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करती थी कि बीमार ना पड़ूं, तो इसके लिए मैं जो है सर्दियों में ज्यादातर गर्म पानी ही पीती थी और ठंडी चीजें बहुत खाती ही नहीं थी जल्दी, और बाई चांस खाती भी थी तो बहुत ही कम लेती थी और उसके बाद में मैं तुरंत ही गर्म पानी लेती थी। सर्दियों में मेरा ये हाल हो गया था, कभी जो है रात के 2:30 बजे तबीयत बिगड़ जाती थी तो कभी सुबह टाइम बिगड़ जाती थी, तो फिर मैं जो है रात में ही 2:30 बजे फिर मुझे चाय पीनी पड़ती थी। सर्दी थी तो इसलिए थोड़ा सा आमलेट वगैरह भी खाती थी, क्योंकि उस समय क्या होता है जब हमारी सांस फूलती है ना तो जब हम गर्म चीजें लेते हैं ना तो हमको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। इतनी मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही थी। मेरी जब बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाती थी मैं तभी जो है काम वगैरह नहीं अच्छे से कर पाती थी, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक रहती थी तो मैं सारा काम खुद ही करती थी। मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ा था इसलिए मैं जो है अपने मन का कुछ भी नहीं खा पाई थी और जो है फल वगैरह में भी मैं सिर्फ सेब ही खाए थे, क्योंकि सेब एक ऐसा फल होता है जो आप किसी भी बीमारी में किसी भी टाइम खा सकते हैं। उसका कोशिश करती थी टहलने की, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की, तो मैं उस समय टहलती बहुत ज्यादा थी। मैं उकरू वगैरह बैठ के पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, मैं सारा काम खुद ही करती थी। देखिए जब हम प्रेगनेंसी के दौरान कंटिन्यू काम करते रहते, उठते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, इससे क्या होता है हमारी मसल्स काफी मजबूत होती हैं और जो है वो बिल्कुल लचीली होने लगती है, उनमें दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और अगर हम लेटे रहते हैं तो पूरा शरीर अकड़ने लगता है, क्योंकि जितना हम प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हैं उतना ही हमारा बच्चा भी एक्टिव रहता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो है अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है सांस वगैरह फूलने की तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे हमारे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अस्थमा में होता क्या है, जब हमको ये प्रॉब्लम होती है तो हम जो है सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। जब हमारी डिलीवरी होती है उस समय हमको सांस जो है जल्दी जल्दी नहीं लेनी पड़ती बल्कि हमको लंबी सांसों की जरूरत पड़ती है और हमको नीचे को बच्चे को पुश करना पड़ता है, ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि जब मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे और जब मेरी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया था तो उस समय बहुत ही ज्यादा भयंकर सर्दी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ठंडी चीजें बहुत नुकसान करती थी, ठंडा पानी नुकसान करता था, तो जब मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था तो मैंने जो है ठंडा पानी बिल्कुल पीना छोड़ दिया था, ठंडी चीजें बिल्कुल खाना छोड़ दी थी और तली चीजें बिल्कुल भी हाथ लगाना बंद कर दिया। जब मेरे दर्द वगैरह स्टार्ट हो तो मुझे उस समय मैं चाहकर भी बीमार ना पड़ूं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बंद कर दिया था। और कुछ ईश्वर की भी कृपा रही कि जब मेरा टाइम नजदीक आ गया तो उस समय मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ी थी। क्योंकि देखिए, आप पूरी प्रेगनेंसी जो है अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाता है अगर उस समय आपकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर उस समय बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि अगर आपकी उस समय सांस नहीं फूलती है तभी आप जो है नॉर्मल डिलीवरी संभव होगी, तभी आप प्रेशर लगा पाएंगे, तभी आप पुश कर पाएंगे। अगर आपको सांस ही लेने में दिक्कत होगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो फिर तो ये संभव ही नहीं है। होता क्या है कि जब हमारी जो है दर्द होते हैं तो उस समय हमको लंबी सांस लेके नीचे को प्रेशर देना पड़ता है और बहुत ही ज्यादा पुश करना पड़ता है। अगर बीच में जो है हम सांस तोड़ देते हैं, मान लो जल्दी जल्दी लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम नीचे जितना पुश करते हैं अगर हमने बीच में ही सांस रोक दी तो बेबी जो है नीचे होने की बजाय वो थोड़ा सा ऊपर और हो जाता है, ठीक है। उस समय हम जैसी सांस लेते हैं बेबी पे वैसा ही प्रेशर पड़ता है। अगर हम सांस ऊपर को खींचेंगे तो बेबी ऊपर को बढ़ेगा, अगर हम नीचे को करते हैं सांस तो बेबी नीचे को जाता है, ठीक है। यही रीजन था मेरी जो है तबीयत उस समय बिल्कुल भी खराब नहीं हुई थी जब मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो इसलिए मैं जो है आराम से सांस भी ले पा रही थी और प्रेशर देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहते हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी में। और दूसरा कि अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि आप लास्ट में बीमार ना पड़े, स्पेशली उस टाइम पे जब आपकी जो है डिलीवरी होने वाली है। अगर आप जो है इन बातों का ध्यान रखती है तो आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।